बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। बेटा आज हमने इंग्लिश वर्क बुक का पेज नंबर 9 से 12 तक करना है और आज का लेटर है सी का। बेटा सबसे पहले हम लोगों ने लिखनी है डेट। आज डेट है 28 मई। एम ए वाई और डे है आज फ्राइडे। एफ आर आई। बेटा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सी भी राइट किया हुआ है। सी के अंदर डॉटेड फॉर्म में उन्होंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है कि इसको हम लोगों ने किस तरह राइट करना है। ठीक है, आपने इसकी जो डॉटेड फॉर्म है इसे कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है इसको। ये देखें मेरे साथ साथ राउंड, बिल्कुल राउंड शेप में है ये, राउंड एंड डाउन। स्टॉप। ठीक है, फिर अब आप इसी तरह का को भी यूं ही राइट करेंगे। आप इसकी ट्रेसिंग करेंगे, राउंड राउंड एंड स्टॉप, बिल्कुल डॉटेड फॉर्म के ऊपर राइट करना है। सी का केक, क्या ये राइट किया हुआ, सी का केक। अब ये देखो यहाँ पे भी ट्रेसिंग उन्होंने की हुई है। सी की फॉर्मेशन आप देखें, बिल्कुल राउंड एंड स्टॉप। ठीक है, और ये ऊपर वाली 3 लाइनों में राइट करना है। सी कैपिटल लेटर जो है ये ऊपर वाली 3 लाइनों में राइट करना है और स्मॉल लेटर जो है ये सेंटर वाली 2 लाइन्स में आपने राइट करना है। ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। पहले आपने ट्रेसिंग करनी है, राउंड एंड स्टॉप। फिर इसी तरह स्मॉल लेटर की आपने करनी है, राउंड एंड स्टॉप। अगेन यहाँ पर ट्रेसिंग दी हुई है उन्होंने ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप नीचे खुद से अच्छा से राइट कर सके। ठीक है, पेंसिल का लेड बेटा आपका बहुत शार्प होना चाहिए ताकि आप नीट काम कर सको। राउंड एंड स्टॉप का अगेन देखें आप लोग बेटा, राउंड एंड स्टॉप। ठीक है, सी ऊपर वाली 3 लाइन में हमेशा याद रखें कि सी ऊपर वाली 3 लाइन में आपने राइट करना है और स्मॉल लेटर जो है इसका साउंड जो है वो सेंटर वाली 2 लाइन्स में आपने राइट करना है। ठीक है, अब हम इसकी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि ये देखें, राउंड एंड स्टॉप। देखें आप ऊपर वाली 3 लाइनों में मैंने राइट किया है और स्मॉल लेटर को सेंटर वाली 2 लाइन्स में मैं राइट करूँगी सी का। फिर देखें सी का, इसी तरह राइट करते हुए फुल पेज की आपने प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। सी डब्ल्यू सी का, और ये बेटा पेज नंबर है हमारा 9। पेज नंबर 9 की प्रैक्टिस करनी है और कलरिंग भी साथ साथ करनी है हमने। केक सी का केक होता है, केक के अंदर कलरिंग भी करनी है। और ये पेज नंबर 9 सी वर्क का पूरा पेज करना है आपने मेरी तरह, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सारे पेज की इस तरह, और इसमें कलरिंग भी करनी है। आइए अब हम देखते हैं कलरिंग कैसे करें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने केक में कलर कर रहे हैं, मैंने अपने तमाम कलर्स निकाले हैं ताकि मैं एक कलरफुल सा केक बनाऊँ। तो आप लोगों ने भी अपने तमाम कलर निकालने हैं और उनको अच्छे से शॉप करने, जैसे मैंने देखे शॉप किए हैं सारे कलर्स, इसी तरह आपने शॉप करने हैं। आइए अब कलर करते हैं। अच्छा, कलर हमेशा एक ही रुख में आपने करना है। मैं अपनी कैंडल से शुरू कर रही हूँ। मैं अपनी कैंडल को बनाऊँगी पिंक कलर का। तमाम कैंडल्स को मैंने देखें, अब मैं अपने केक की चॉकलेट को ब्राउन कलर कर रही हूँ। कैंडल्स को मैंने सबको पिंक कर दिया है और वाइट स्पेस नहीं आपने छोड़नी बेटा, क्योंकि हमारी ये पिक्चर बहुत छोटी है, इसलिए हमें कलर्स का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आराम से करने होंगे ताकि कलर्स बाहर ना निकलें। देखिए जैसे कि मैं कलर कर रही हूँ, कंप्लीट कर लिया मैंने कलर, आपने भी ऐसे ही कलर करने हैं और डार्क करने हैं। ठीक है, ताकि हमारी पिक्चर अच्छी लगे। इसी तरह नीचे भी देखिए पिक्चर्स बनी हुई हैं, इसमें भी आप कलर कर सकते हैं। जैसे कि इस क्लाउड के अंदर आप स्काई ब्लू कलर कर सकते हैं। हम लोग बेटा पेज नंबर 9 कर लिए, अब हमने पेज 10 करेंगे। पेज नंबर 10 में भी बेटा सी का राइट करना है हम लोगों ने। देखें पहले एच डब्ल्यू है, ये आपने पहले डेट एंड डे राइट करनी है।
फिर जैसे अभी क्लास में आप लोगों ने क्लास वर्क में प्रैक्टिस देखी है, वैसे ही यहाँ पे सीखा की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसके नीचे क्वेश्चन है मैच द पिक्चर विद लेटर्स, हम लोगों ने मैचिंग करनी है लेटर्स के विद पिक्चर्स के साथ, ठीक है। ये देखें ऐसे क्या बनेगा बताएं, कौन सी पिक्चर बन रही है ऐसे? बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे एरो। इसी तरह आप देखें बी से कौन सी पिक्चर बन रही है, बी फॉर बैग या कार? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने, बी से बन रहा है बैग। ब साउंड को आपको होता है ना, साउंड को हम लोग ब बोलते हैं, वैसे तो बी भी कहते हैं इसको, लेकिन ब बैग, बी बैग, ठीक है, दोनों ठीक है। अब सी से क्या बन रहा है, कार, सी फॉर कार, सी का कार, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह पेज नंबर 10 करना है। अब हम लोग करेंगे पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में बेटा सेम है, इस क्लास वर्क में आप लोगों ने पहले डेट राइट करनी है यहाँ पर, और डे राइट करना है, उसके बाद हमने सी का राइट करना है, ठीक है। डेट है आज 28 मई, एम ए वाई, मई। इसी तरह बेटा डे है आज फ्राइडे, सॉरी आज है थर्सडे, बेटा आज थर्सडे है, मैंने पहले भी आपको फ्राइडे लिखवा दिया, अभी हम रेस करके वो भी थर्सडे कर लेते हैं, ठीक है। आज थर्सडे है। अब देखिए हम लोगों ने सी राइट करना है, ऊपर वाली थ्री लाइंस पे हमने राउंड, राउंड एंड स्टॉप, फिर यहां पे राइट करना है राउंड एंड स्टॉप, अगेन देखें आप लोग राउंड एंड स्टॉप सी, फिर सेंटर वाली टू लाइंस में आपने राइट करना है राउंड एंड स्टॉप। अच्छा बेटा इसी तरह आप लोगों ने ये पूरा पेज करना है, पेज नंबर 11 आपने पूरा करना है। नीचे पिक्चर बनी हुई है कैट की, कैट के आप लोग बताएं मुझे कि किस लेटर से कैट बनता है। बिल्कुल ठीक कहा, सी का, सी का कैट। इसी तरह आप लोगों ने बेटा पेज नंबर 12 करना है, पेज नंबर 12 पे भी सी का ही राइट करना है, लेकिन इसके ऊपर आपने सी का राइट करना है, डेट एंड डे राइट करनी है, आफ्टर दैट सी का राइट करना है पूरे पेज पे। इसका सेकंड क्वेश्चन है मैच द कैपिटल लेटर्स विद स्मॉल लेटर, अब सी को हमने का के साथ मैच करना है। अब आप देखें सी को, ये पज़ल बना हुआ है, इसको कैसे लेकर जाना है, यूँ, फिर यहाँ से हम यूँ लेकर जाएंगे, फिर यूँ, और ये हमने इसको मिला दिया सी के साथ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पेज नंबर 9 से पेज नंबर 12 तक की समझ आ गई होगी कि सी का किस तरह राइट करना है, और आपने अच्छा सा राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, अल्लाह हाफिज़।